एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राज मेकअप। सो आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ माय हाइलाइटर्स कलेक्शन इन 2021। इवन वेडिंग सीजन भी चल रहा है और जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुई पड़ी हैं कि भाई मुझे सेपरेट हाइलाइटर नहीं लेना मत लो, कोई चक्कर नहीं। सो मेक श्योर कि आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ 200 रुपये के एक ऐसे आई शैडो पैलेट सजेस्ट करूँगी। एंड लुक एट दैट स्वॉचेस, मैंने उसी आई शैडो पैलेट के साथ ये स्वॉचेस मैंने किए हैं। मेक श्योर कि आप मेरी वीडियो पूरी ज़रूर देखें टिल द एंड, आपको बहुत अच्छे अच्छे हाइलाइटर्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप कोई सिंगल हाइलाइटर लेना चाहते हो तो भी, एक स्टिक हाइलाइटर या एक लिक्विड हाइलाइटर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और जो लड़कियाँ चाहती हैं कि भाई मुझे एक सिंगल आई शैडो पैलेट चाहिए जिसमें मेरा हाइलाइटर, कॉन्टोर, ब्रॉन्ज, ब्लश, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरी जरूर देखें। आई डोंट हैव दैट मच यू नो कलेक्शन, बट स्टिल आई हैव थोड़े बहुत हाइलाइटर्स। आई डोंट हैव दैट मच हाइलाइटर्स का कलेक्शन, बट स्टिल जितने भी है मेरे पास आई लव देम, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। सो मेक श्योर मेरी वीडियो पूरी जरूर देखें। सो 2021 में तो भाई एक हाइलाइटर्स की वीडियो मैंने सोचा कि मैं बना ही दूं, बिकॉज यू नो मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप हमें कोई अच्छे हाइलाइटर्स बताओ, कोई अच्छा हाइलाइटर बताओ, कोई ऐसी पैलेट बताओ जिसमें मेरे सारे काम हो जाए। भाई हेयर आई एम फॉर यू गाइस। सो मेक श्योर भाई मेरी वीडियो ज़रूर देख लीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। मेक श्योर वीडियो पूरी ज़रूर देखें अगर आप जानना चाहते हो मेरे पास कौन कौन से आई शेडो पैलेट्स हैं। एंड यू कैन सी द स्वॉचेस, आपको बहुत ही ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड यू नो आपको शेड्स यहाँ पे मिल जाएंगे फॉर ऑल डीप टू डीपर स्किन टोन के लिए भी हाइलाइटर्स हैं मेरे पास यहाँ पे। सो मेक श्योर वीडियो पूरी देखें। करूँगी दिस iconic London highlighter, this is in the shade number 01 shine। So ये आपको Flipkart के बहुत easily available है, ये बहुत अच्छा highlighter है, but this is not for dry skin, ये oily skin के लिए अच्छा है। And just look at the bottle right there, bottle बहुत ज़्यादा अच्छी है and I totally love the feel of it। And you can see this is very nice product, मुझे ये पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा सही वाला प्रोडक्ट है। एंड यू कैन सी मैंने इसे चुनू मुन्नू अमाउंट मैंने इसकी ली है। एंड यू कैन सी दैट ग्लो एंड द शाइन राइट देयर, मतलब दिस इज़ गुड फॉर ऑयली स्किन। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इसमें कोई भी ग्लिटर चंक्स एंड पार्टिकल्स नहीं है। रिकमेंडेड बट नॉट फॉर ड्राई स्किन, बट नॉट फॉर ड्राई स्किन, बिकॉज ये ड्राई स्किन को थोड़े से पैचेस दे सकता है। दिस इज़ गुड फॉर ऑयली स्किन, इसका सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल पे कर चुकी हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगे। सो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, जो भी आप देखना चाहते हो गो एंड क्लिक इट, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। सो ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सो द नेक्स्ट हाइलाइटर इज मोस्ट फेवरेट, जिसमें थोड़े बहुत शिमर पार्टिकल्स हैं नो डाउट। सो दिस इज इन द शेड नंबर 01 गोल्ड और ये ब्रांड है मालियो एंड दिस इज देयर हाई बीम हाइलाइटर। एंड सीरियसली इसकी जो ना मतलब ब्लिंगी का पैसे दैट इज़ रियली रियली हाई, ये बहुत ज़्यादा बीमी इफेक्ट देता है आपको। लाइक ना ये डिस्कोज में जो पार्टीज वगैरह ज़्यादा करते हैं ये उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जो यू नो नाटक या किसी भी ऐसे फंक्शंस में काम करते हैं या कुछ भी, मतलब उनके लिए द बेस्ट हाइलाइटर। इफ़ दे आर सर्चिंग फॉर अ लिक्विड हाइलाइटर फॉर द बीमिंग ब्लाइंडिंग डिस्को बॉल वाला इफेक्ट, सो गो फॉर दिस, ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है। फर्स्ट यू नीड टू शेक दिस, यू नो इसे सबसे पहले शेक कर लीजिए। कोई भी लिक्विड हाइलाइटर आप यूज़ करते हो मेक श्योर टू शेक इट वेल, बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। सो आप इसे अच्छे से कर लो शेक। लुक एट दिस वन, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये ड्राई आउट हो गया है, मेरी पीठ दुखने लग गई। एंड दिस इज प्रॉपर गोल्ड और ये मीडियम टू डार्क स्किन टोन पे बहुत अच्छे से जाएगा। एलमल स्किन टोन, मतलब मेरी स्किन टोन पे थोड़ा सा अजीब लगेगा बिकॉज दिस इज़ रियली डार्क फॉर माय स्किन टोन, बट आप मुझसे जितनी भी डार्कर स्किन है डीपर डस्की मतलब विटिश इसे यूज़ कर सकते हैं अगर वो एक हाइलाइटर ढूंढ रहे हैं। सो दिस इज़ द
swatch of it and you can see ये कितने अच्छे से blend होता है. Look at that shine. इसमें हल्का हल्का शिमर पार्टिकल्स है. मेक श्योर टू शेक इट, अदरवाइज आपको शिमर पार्टिकल्स मिलेंगे. जब आप इसे शेक करते हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखने को मिलेगा कि ठीक है. ये आपको बहुत ही सटल ग्लो देगा. फिर लुक एट दैट, ये ज़्यादा ब्लिंगी है. ये देखो, आई लव इट. मुझे बहुत अच्छा लगता है. रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड. अगर आप इसकी सेपरेट वीडियो देखना चाहते तो मेरे चैनल पर है, जाके देख लीजिए. ठीक है. सो इसकी कॉस्ट थी अबाउट 300-350. आपको इतने में ही मिल जाएगा. डिस्काउंट पे लेना चाहता आपको बहुत अच्छे रेट में मिल जाएगा. सो नेक्स्ट हाइलाइटर, सो द नेक्स्ट हाइलाइटर आई हैव द माई सो द नेक्स्ट हाइलाइटर इज फ्रॉम द ब्रांड स्विस ब्यूटी इंस्टा ग्लो हाइलाइटिंग स्टिक. दिस इज इन द शेड नंबर SB807. ये मीडियम स्किन टोन तक ही जाएगा, नॉट फॉर वेटेज या मुझसे डार्कर स्किन टोन भी अच्छा नहीं लगेगा. सिर्फ मुझसे एक शेड या दो शेड जो डार्कर स्किन टोन है उस पर ही अच्छा लगेगा. लेट मी गिव यू द क्विक स्वॉच एंड दिस इज द स्वॉच. यू कैन सी ये बहुत अच्छा क्रीमी इन टेक्स्चर, थोड़ा सा ब्राउन अंडर टोन है ये. सो मेरी स्किन टोन पे भी अच्छा खासा चला जाता है. सो दैट्स वाई आई लव दिस. मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. अगर आप जानना चाहते हो कि आज मैंने कौन सा हाइलाइटर लगाया है, मेक श्योर टू वॉच दिस मेकअप लुक. या और इसके साथ आपको स्पॉन्ज एप्लीकेटर भी मिलता है. इफ़ यू नीड टू ट्राई इट, गो फॉर इट. बहुत अच्छा स्पॉन्जी सा है और इट्स अ रिट्रैक्टेबल पैकेजिंग. यू कैन सी बहुत अच्छा प्राइस पे आपको ये मिल जाएगा ढेर सारी वेबसाइट्स पे, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड नायका. स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स आपको अच्छे से मिल जाते हैं. इवन ऑन कफ्स एंड लैशेस पे भी अवेलेबल रहता है. सो मेक श्योर टू चेक इट आउट. ओके, सो नेक्स्ट आई डोंट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट बट स्टिल मैं इसे दिखा रही हूँ. दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कलर क्वीन. ये बहुत ज़्यादा सिल्वर हाइलाइटर है, बहुत ही ज़्यादा सिल्वर हाइलाइटर. दिस इज इन द शेड नंबर 02. यू कैन सी मैं इसे कितना ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ. मैं इसे ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक इट. पता क्यों? बिकॉज मुझे इसे ख़त्म करना है. दैट्स वाई यू नो नाउ. और इसका स्वॉच मैं दिखा देती हूँ आपको राइट हेयर. ओके, बहुत नमूनो अमाउंट इसकी लूंगी, दिस मच. और ये बहुत ही ज़्यादा वाइट है, बहुत ही ज़्यादा वाइट है ये. सी इट्स अ प्रॉपर सिल्वर कलर. यू कैन सी पूरा प्रॉपर सिल्वर कलर है ये. सी डिटो ऐसा ही कलर यहाँ पे शो हो रहा है. आई विल गिव यू मतलब क्लोज रिव्यू ऑफ माई हैंड, तब आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे कौन सा हाइलाइटर और उसका इफेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट हाइलाइटर इज फ्रॉम द आई शेडो पैलेट्स. सो यहाँ पे मैं कुछ आई शेडो पैलेट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी. इफ यू वॉन्ट इट, गो एंड गेट इट. सो नेक्स्ट आई शेडो पैलेट इज फ्रॉम द ब्रांड कफ्स एंड लैशेस. इसका हाइलाइटर इज अमेजिंग. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, मुझसे कुछ गिर जाता है कभी कभी. So you will have a lot of eyeshadows and this is the highlighter and look at this highlighter. मतलब ये highlighter इतना अच्छा है ना, मतलब look at that shine. और फिर आप इसे जब blend करते हो तो आपको एक ही subtle glow देता है. Not that much bam bam highlighter daily wear के लिए बहुत अच्छा है. And I loved it. मुझे पैलेट बहुत ज़्यादा पसंद आई है. Totally recommended from my side. So the next highlighter is my most favorite highlighter from the brand Mars V Face Bronze Highlighter and Contour. So this is in the shade number 05 and this is a 3-in-1 bronzer and contour and a blush palette. मैंने यहाँ पे ये 05 shade pick किया because I need the highlighters and the bronzer. I have also so many blushes, so मैं blushes पे ऊपर ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं करती. I love bronzers and highlighters. सो या इसमें आपको 3 शेड्स मिल जाते हैं. डीप स्किन टोन के लिए भी है और मीडियम स्किन टोन पे भी जा सकता है. मिक्स एंड मैच करके आप इसे अपना कस्टम शेड बना सकते हो. फेयर स्किन टोन पे दोनों चले जाएंगे. लेट मी शो यू द स्वॉचेस एंड दीज आर द स्वॉचेस. यहाँ पे कुछ लगाया हुआ था ना मैंने एंड दीज आर द स्वॉचेस. ये बहुत ही ज़्यादा लाइट हैं, आपको बहुत ज़्यादा सटल ग्लो देते हैं ये. सी बहुत ज़्यादा सटल ग्लो देंगे. जितना आप इसे बिल्डअप करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आपको इनका मिलेगा. यू कैन सी नाउ. एक तो मुझे स्वॉचेस करने नहीं आते अच्छे से.
यू कैन सी द इफेक्ट. और जब आप इसे ब्लेंड करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा सटल ग्लो मिलता है. मतलब लुक एट दैट शाइन, बहुत ज़्यादा सटल ग्लो मिलता है फाउंडेशन के ऊपर, बहुत अच्छा लगता है. दैट्स वाई आई लव्ड इट. और इसका ब्रॉन्जी शेड भी मैं आपको दिखा देती हूँ. दिस इज द स्वॉच, दिस इज द ब्राउन शेड एंड दीज आर द हाइलाइटर्स. जस्ट लुक एट दैट हाइलाइटर. और स्वॉच कर देती हूँ अच्छे से. सी दिस इज द क्लोजअप, दिख रहा है ना आपको? ओके, सो ये बहुत अच्छा हाइलाइटर, इसमें कोई भी ग्लिटर चंक्स या ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है. दिस इज वेरी नाइस हाइलाइटर, बहुत सटल ग्लो डेली वेयर के लिए अच्छा है. फाउंडेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बैम्बी लगता है लाइक दिस. बट ये कोई और हाइलाइटर विच आई डोंट लाइक एट ऑल और मैं रिकमेंड भी नहीं करती. सो दिस इज द मिस एडीएस हाइलाइटर फेस ग्लो एंड दिस इज इन द शेड नंबर 01. दिस इज द सिल्वर टोन हाइलाइटर. आई डोंट लाइक इट, मतलब मुझे नहीं पसंद आई ये वाला, इसका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. फर्स्ट लुक एट द पैकेजिंग इज वेरी नाइस नो डाउट, एंड लुक एट दैट यू नो इफेक्ट्स मतलब, एंड लुक एट द पैकेजिंग इज वेरी नाइस, एंड लुक एट दैट फ्लावर डिज़ाइन. फ्लावर डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है ना वैसे. एंड लेट मी टेल यू, ये बहुत ज़्यादा चौकी है, बहुत ज़्यादा चौकी है. और इसका जो इफेक्ट्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा चंकी ग्लिटर के साथ भरा हुआ है. एंड आई डोंट लव इट, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है. एंड यू कैन सी दिस इज रियली चॉकी. सी दिस इज द स्वॉच, और इसे आपको ढेर सारा ब्लेंड करना पड़ेगा. और ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक सटल ग्लो देता है और कुछ नहीं. मतलब आई डोंट लाइक इट, आई डोंट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट, मुझे ये अच्छा नहीं लगा. सो द नेक्स्ट हाइलाइटर आई हैव इज दिस. दिस इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड मिस एडीएस. आई लव दिस वन, मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आया है. प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट टू गो फॉर दिस. ये बहुत अच्छा आपको एक हाइलाइटिंग इफेक्ट देता है. जस्ट लुक एट द पैकेजिंग इज सो नाइस, एंड दिस इज इन द शेड नंबर बी. लुक एट दैट, ठीक है. लेट मी गिव यू द स्वॉच. Look at that swatches. अगर आप deep fair medium skin tone के भी हो तो आपके ऊपर ये बहुत अच्छी लगेगी. Look at that swatches and let me give some all the swatches right here. Just look at that swatches. अभी भी है product मेरे हाथ में. Just look at that. मतलब कितने मजे से swatch हुआ है. I टोटली लव दिस आई शेडो पैलेट. मतलब मुझे ये परफेक्ट पसंद है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है. मतलब देखो आपको कितने सारे शेड वराइटीज मिल जाती हैं. दिस इज़ द मोस्ट डीपेस्ट स्किन टोन के ऊपर ये जा सकती है आई शेडो पैलेट. एक ब्लश एंड अ लॉट ऑफ आई शेडोज एंड हाइलाइटर्स आप इसे एज आई शेडो यूज़ कर सकते हो. दिस इज़ अ शैम्पेन वन, दिस इज ऑल अ शैम्पेन वन कलर. लुक एट दैट हाइलाइटर. Oh my god, this highlighters are so bomb.com. इसमें कोई भी glitter chunks नहीं है. And one more thing, आप इन shades को ऐसे eye shadows use कर सकते हो. And इसके साथ, इसके अलावा आपको यहाँ पे एक contouring shade मिलता है और एक bronzing shade मिलता है, which is really amazing. Look at that. And let me show you here. Look at that swatch. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा. दिस कलर इज़ वेरी लाइट, सो आप इसे एज कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हो. बहुत अच्छा बटरी सॉफ्ट है और ये मीडियम स्किन टोन तक जाएगा बिकॉज ये बहुत अच्छा कलर है. मीडियम स्किन टोन के ऊपर ये बहुत अच्छे से जाएगा. आई रिकमेंड दिस पैलेट टू ऑल ऑफ यू. अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो गो फॉर इट. मतलब स्वॉचेस, मतलब बहुत अच्छी आई शेडो पैलेट है, ठीक है. आई शेडोज, हाइलाइटर, आप कुछ भी कह सकते हो इसे, ठीक है. Last but not the least eyeshadow palette is this one. This is my highlighter, contour, bronzer, blusher, all in one. मतलब I love this eyeshadows. मतलब मुझे इसके eyeshadows, इसके contouring, blusher, सब कुछ
जो आप इस वक्त मेरे थोड़े पे देख रहे हो ना, वो यही है, ठीक है? मतलब आई लव दिस, यही ब्लशर मेरे फेस पे है, दिस वन, ये ब्लश मेरे आज मेरे फेस पे है, एंड हाइलाइटर इज दिस वन, यही वाला, ठीक है? और ये वाला ब्रॉन्जर मेरे फेस पे है, लुक एट दैट पिगमेंट। पिगमेंटेशन इसकी बहुत अच्छी है, पिगमेंटेशन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, पिगमेंटेशन इज वेरी हाई। मतलब इसमें आपको देखो कितने सारे शेड्स मिल जाते हैं, आपको ब्लशर, कॉन्टोर, हाइलाइटर, आपको इसमें सभी शेड्स मिल जाते हैं। इवन यू हैव शैम्पेन, इवन दिस ब्राउन कलर इज अमेजिंग, लुक एट दैट पिगमेंट, ओ माई गॉड, दिस इज सो गॉर्जियस, लुक एट दैट, ठीक है? एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ हाईलाइटर्स राइट देयर, शिमर शेड्स को आप एज हाईलाइटर यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी शिमर या ग्लिटर पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं है, दिस गिव यू अ वेरी नाइस सटल ग्लो। और जो पिंक हाईलाइटर लवर है उनके लिए भी यहाँ पे ढेर सारे शेड्स हैं, यू कैन यूज दिस एज योर हाईलाइटर, यू कैन यूज दिस ऑल्सो एज योर हाईलाइटर। जो पिंक लवर है, दिस इज द मोनोक्रोम हाईलाइटर, बहुत अच्छा शेड है जो पिंक लवर है, लुक एट दिस शेड राइट, मुझे बहुत अच्छा लगा ये शेड। और इसमें आपको यू नो न्यूड ब्लशेस भी मिल जाते हैं, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, और आपको बहुत अच्छे अच्छे क्रीज शेड्स मिल जाते हैं जो रोजाना यूज कर सकते हो, यू कैन यूज दिस एज योर क्रीज शेड, बहुत अच्छा शेड है दिस वन ऑल्सो, मतलब रोजाना यूज करने पे। और इन शेड्स को आप थोड़ा बहुत रोजाना भी यूज कर सकते हो, बिकॉज इसमें आपको ढेर सारे यू नो वॉर्म शेड्स भी मिलते हैं, पिंक जो शेड्स हो डेली वेयर पे, जो पिंक शेड्स लगाना चाहते हैं रोजाना अपने फेस पे, वो ये पैलेट जरूर ले सकते हैं, बिकॉज दिस इज अमेजिंग। इसमें आपको न्यूड्स, डार्क्स, पर्पल्स, ब्राउन्स, हाइलाइटर्स, मतलब ऑल इन वन, मतलब दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग हाइलाइटर पैलेट, रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, बहुत अच्छी आई शेडो पैलेट है, आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की तरह अगर आप कुछ एक ही चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आई रिकमेंडेड एक ये ले लो और एक ये ले लो, दैट्स इट। इट कॉस्ट यू अबाउट 2,500 एंड इट कॉस्ट यू अबाउट 200 रुपीज, सो आप ये दोनों ले लो, मतलब बहुत अच्छी है। अगर आप एक भी लेना चाहते हो सो आप ये ले लो, एक ये लो, अपने बजट के हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड एंड आई लव द स्वॉचेस, आई लव द एवरीथिंग अबाउट दिस, मतलब मुझे बहुत पसंद है ये। सो या गाइस, दिस इज इट फॉर द वीडियो, आई होप ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी है ना, तो हेल्पफुल थोड़ी सी भी लगी है, हेल्पफुल थोड़ी सी भी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, सो प्लीज़ क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दीजिए, पूरी वीडियो देख ली, सारे हाइलाइटर्स देख लिए, अब प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर लीजिए। मेक श्योर टू डू चेकआउट माई प्लेलिस्ट, मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करिएगा, एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई हैंडल इज रच मेकअप्स, एंड बहुत ही ज़्यादा चुनमुनू सा एक PR मेकअप हॉल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेक श्योर अगर आप मेरे साथ कोई कोलैबोरेशन या मुझे PR स्टफ आप मुझे अगर भेजना चाहते हो या कोई ब्रांड कोलैबोरेशन है, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में मुझे DM कर सकते हो, आई विल डू रिप्लाई एंड आई विल डू शेयर, सो मेक श्योर कि डू फॉलो मी देयर, एंड या सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, देन टेक केयर एंड बाय बाय। मेक श्योर टू चेक आउट माई मोर एंड मोर मेकअप लुक्स, और अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने कौन सा हाईलाइटर लगाया ना आज, हाईलाइटर लवर होना, तो मेरी ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। सो अगली वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।